आज की क्लास में हम एक्सेस का असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन एमएस एक्सेस। एक्सेस में एक टेबल बनाना है जिसकी डेटा डिक्शनरी यहाँ पर दी हुई है, या टेबल का डिज़ाइन व्यू जो होता है वो दिया हुआ है। हमको ये सारे फील्ड्स क्रिएट करने हैं और डेटा टाइप विथ उनकी साइज दी हुई है, साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक्सेस में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक्सेस ओपन करना होगा। ऑल प्रोग्राम्स में हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, इस पर क्लिक करते ही एक्सेस जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट पर जाती है, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही एक्सेस क्रिएट करते हैं डेटाबेस, तो हमको एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको पहले क्रिएट ऑप्शन पर जाना होगा, क्रिएट मेन्यू पर, और टेबल वाले ऑप्शन पर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेबल क्रिएट करने के कुछ तरीके हैं। तो हम टेबल डिज़ाइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें टेबल डिज़ाइन ही दिया हुआ है। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर हमें डिटेल्स देनी है, वो डिटेल्स हमें यहाँ दी हुई है, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट आईडी को, और इस कॉन्टैक्ट आईडी का जो डेटाबेस में है यहाँ पर हमें फील्ड में क्रिएट करना है। फील्ड क्रिएट करते समय ब्लैंक स्पेस नहीं देना है आपको। यहाँ पर आप ब्लैंक स्पेस देना चाहते हैं तो उसके बदले अंडरस्कोर आप दे सकते हैं। डेटा टाइप आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऑटो नंबर, तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप में ऑटो नंबर ले लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है प्राइमरी की। तो इस तरीके से ये पहली फील्ड तैयार हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी फील्ड भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी फील्ड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है हमारी वो है, इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा दोनों चीज़ों को एक साथ ओपन कर देता हूँ ताकि वो एक साथ दिखाई दे और हम आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट आईडी के साथ साथ है कॉन्टैक्ट टाइप, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर टाइप, और इसका डेटा टाइप है टेक्स्ट। बट यहाँ पर इसकी साइज़ जो दी हुई है वो 50 दी हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इसकी फील्ड साइज़ जो है 255, पुराने वर्ज़न पर जो डिफ़ॉल्ट साइज़ थी वो 50 थी, नए 2000 वर्ज़न पर उसकी साइज़ 255 है। अब चाहें तो यहाँ पर इसकी साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। तो इसकी साइज़ मैंने 50 दे दी है। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा है टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। इस तरीके से नेक्स्ट फील्ड हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं नेम। कई बार आपको नेम यहाँ पर एंटर नहीं लेता क्योंकि नेम एक कीवर्ड है, तो इसके बदले आप एस सी नेम लिख सकते हैं, कस्टमर नेम या फिर कॉन्टैक्ट नेम। एक्सेस के नए वर्जन में जो है नेम या टाइप ऐसा कीवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सी नेम लिखिए। इसका डेटा टाइप भी टेक्स्ट है और साइज़ 50 है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एस के आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐसा सेमी कोलन या ये लिखा हुआ है, इसको आप नहीं लिखेंगे क्योंकि कई बार वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लेता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ों को आपको रिमूव कर देना है, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, और इसी तरीके से हम आगे पूरा बनाते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कैसे बनाना है। तो इस प्रकार से हमको करना ये रहेगा कि ये सारे फील्ड्स जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारे फील्ड्स जो करीब 10 से 12 की संख्या में हैं,
और इनके डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और इसको हमको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। हमने यहाँ पर सारे फील्ड्स को टाइप कर लिया है, उनके डेटा टाइप और उनकी साइज़ यहाँ दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन दे दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर कट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास डेटाबेस को स्टोर करने के लिए ऑप्शन आएगा। ये स्टोर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ, सॉरी टेबल का नाम मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट। और ये हमारा टेबल जो है क्रिएट हो गया। प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए परमिशन मांगी जाएगी। फिलहाल हमें जो फर्स्ट वाला जो है उसी को प्राइमरी की बनाया है, तो यहाँ पर कोई एडिशनल प्राइमरी की हमको ऐड नहीं करनी है, तो नो कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम फिर से डिज़ाइन में जाते हैं। यहाँ प्राइमरी की हम कैसे असाइन करेंगे, देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास प्राइमरी की का ऑप्शन आता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ देखेंगे एक की जैसा साइन आ जाएगा, ये प्राइमरी की बन गई है। यहाँ पर राइट क्लिक करके भी इसे प्राइमरी की बनाया जा सकता है। इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है और आप देख पा रहे हैं कि टेबल में इतने सारे फील्ड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 था जो हमको ये टेबल क्रिएट करना था।